मैं कौन हूँ? मुझे कहाँ जाना है? इस दुनिया में मेरे आने का क्या मकसद है? सिर्फ मेरी जिंदगी खराब करने आई है। मुझे आगे क्या करना है? परी, तू एक नंबर की गधी है। तुम्हें स्कूल नहीं जाना है? अरे परी, नाश्ता करने आ जा, नहीं तो स्कूल में ना सर तुम्हें मुर्गा बना देंगे। जल्दी से आ। वाह, अब रेडी तो हो गई। बैग पैक करनी है। बैग, चलो। ये लड़की भी कहाँ रह गई पता नहीं। मम्मी, मेरा टिफिन। ये लो। आज खाने में। मम्मी, आपने मुझे नॉर्मल वाला टिफिन बॉक्स क्यों दिया? मुझे परिसेल वाला टिफिन बॉक्स चाहिए। इस टिफिन को क्या हुआ? मम्मी, जब मैं स्कूल में परिसेल वाला टिफिन लेकर जाती हूँ ना, तो मेरे सारे फ्रेंड्स मुझसे पूछते हैं कि ये टिफिन तुमने कहाँ से लिया, बहुत अच्छा है। इसकी वजह से। तो रुको, ये लो तुम्हारा परिसेल का टिफिन। थैंक यू मम्मी। वैसे आज खाने में क्या है? सरप्राइज है। ओके ठीक है, बाय बाय। परी, तुझे पता है अपने मैथ टीचर का मुंह इतना लाल क्यों रहता है? लाल? वो रोज होली खेलते हैं। अरे पागल, उनका मुंह लाल रहता है क्योंकि वो पान खाते हैं। पान खाते हैं? हाँ, इसलिए उनका मुंह लाल रहता है। अच्छा, वैसे तूने टिफिन में क्या लाया आज परी? अरे मेरे मम्मी ने ना सरप्राइज रखा, वो तो मुझे भी नहीं पता। अरे वाह, तेरा टिफिन मेरे से शेयर करेगी तू? हाँ, वैसे तूने क्या लाया? मैंने वही अपनी खिचड़ी लाई है। वो नहीं, चल अब क्लास में चलते हैं। हाँ, चल चल चल। 2 hours later. Yeah! मुझे तो बहुत भूख लगी थी। मुझे बहुत भूख लगी है। चलो टिफिन खाते हैं। ये देखो मेरे पास। अरे परी, तेरा टिफिन तो बहुत अच्छा है, है ना? अरे परी, ये तो परी लेफ्ट का टिफिन है ना? दिखा दिखा दिखा। ये देखो। सच्ची बहुत अच्छा लग रहा है तेरा ये परी लेफ्ट का टिफिन। कहाँ से लिया तूने? अरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ही लिया मैंने। अरे वाह, बहुत अच्छा, मैं भी लूंगा। परी परी, तेरे मम्मी ने तो कुछ तो सरप्राइज दिया था ना टिफिन में? रुको दिखाती हूँ। सरप्राइज लाया परी ने? दिखा दिखा दिखा। ओ, अरे ये रोटी क्या जली हुई, ये तो कोयले से बनाई है। अरे ये रोटी तो धूप में जली हुई है। परी, ये क्या सरप्राइज लाया तूने? जली हुई रोटी। मम्मी ने कैसे रोटी दी है, इसे मैं खा भी नहीं सकती। एक काम करती हूँ, डस्टबिन में फेंक के आती हूँ। डस्टबिन में क्यों डाल रही है? का काम करके थक गई हूँ, परी भी आ रही होगी। मम्मी आ गई। मम्मी, मम्मी आपके रोटी बनाना भूल गई हो। आपको रोटी बनाना नहीं आता? मेरे सारे फ्रेंड्स मेरे ऊपर हंस रहे थे, आपने मुझे वो जली हुई रोटी दे दिया। वो परी बेटा ना, मैं फ्रेंड के साथ बात कर रही थी ना, तो गलती से थोड़ी सी जल गई होगी। थोड़ी सी जल गई होगी, पर मेरे फ्रेंड्स मुझे कितना मजाक उड़ा रहे थे। सॉरी परी बेटा, नेक्स्ट टाइम ऐसे गलती नहीं होगी और मैं ध्यान भी दूंगी। हाँ। अब मैं क्या करूं, मैं तो रोटी बनाना भूल गई हूँ। एक काम करती हूँ, ऑनलाइन ही देख लेती हूँ और रोटी बनाती हूँ। काजू कतली, रसगुल्ले, शाही पनीर, पाव भाजी, कब मिलेगा? खुशबू से काम निकालना पड़ेगा। पापा। हाँ बेटा। आपको ना एक पूछना था। बोलो बेटा। आप जो खाना खाते हो वो मम्मी बनाती है ना?
अब कैसे खा सकती हूँ, कितना बेकार खाना बनाती है मम्मी। बेटा एक बार खाता हूँ 10 बार जाता हूँ। एक बार खाता हूँ 10 बार जाता हूँ, कहाँ पर जाते हो? बाथरूम, पूरा ऑफिस को गंदा किया मैंने अकेले ने। पापा, पापा पर मम्मी ऐसे ही खाना बनाती रही ना, मैं तो फास्ट चालू करने वाली हूँ। मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। रुको मैं जाकर आता हूँ। पहले कहाँ पर जा रहे हो पापा? बाथरूम। ये भी कोई बताने की बात है। The next day. परी बेटा ये लो टिफिन। मम्मी टिफिन में आज रोटी नहीं दी है ना? परी रोटी सब्जी दी है पर कल जैसी नहीं है, आज मैंने बहुत अच्छी रोटी सब्जी बनाई है। मम्मी कल भी आपने ऐसे ही बोला था, भगवान जाने कैसी बनी है। स्कूल जा रही हूँ अब। परी मैंने ना टीचर से बात कर ली है। क्या बात कर ली है? अरे तुझे ना बड़ा डस्टबिन लाकर देने के लिए, उसमें तू तेरा सारा खाना डालेगी ना। फालतू बात मत कर, ठीक है संकेत? देख संकेत, इस परी के साथ मजाक मत कर, नहीं तो वो अपना टिफिन हमें खिला देगी। इसका टिफिन कौन खाएगा? ओके। आज देखते परी के मम्मी ने और कुछ सरप्राइज दिया कि नहीं। परी परी तेरा टिफिन निकाल पहले। देखना आज मेरी मम्मी ने अच्छी वाली रोटी दी है। ये तो किसी देश का नक्शा लग रही है। परी तेरे ये घर पे क्या चल रहा है? हाँ मुझे भी समझ में नहीं आ रहा मम्मी को क्या हो गया, कैसे रोटी बनाती है। अमित एक काम कर, मेरा ये पूरा टिफिन ना डस्टबिन में डाल दे, ठीक है? जा। परी ये टिफिन भी डस्टबिन में डाल दू? अरे पागल हो गया, तू भी डस्टबिन में गिर गया। परी खाना वेस्ट करना अच्छी बात नहीं होती, ऐसे मत कर। तो ये क्या मैं खाऊं? वैसे भी तेरा ये नक्शा है ना पूरे देश का है, और देश थोड़ी डस्टबिन के अंदर फिट हो जाएगा। मैं ये खाना डस्टबिन में डाल के आती हूँ। अरे क्या कितना खाना वेस्ट करती है ये। चलो रोज रोज अपना टिफिन निकालो। मम्मी अगर आपको रोटी नहीं बनाने आती तो प्लीज मुझे रोटी मत दो, कोई और खाना दो। तुम पूरा टिफिन तो खाती हो, ये देखो। मम्मी मैं टिफिन नहीं खाती, मैं वो खाना डस्टबिन में फेंकती हूँ। क्या, मैं इतने प्यार से तुम्हारे लिए रोटी बनाती हूँ और वो खाना तुम डस्टबिन में डालती हो? हाँ मम्मी आपका खाना कौन खा सकता है? तुम्हारे पापा तो बड़े चाव से खाना खाते हैं। क्योंकि उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। बड़ी जबान चलाने लगी हो, जाकर पढ़ाई करो। पढ़ाई करने के लिए ना पेट पूरा भरा हुआ लगना चाहिए। परी वैसे आज टिफिन में क्या लाया है? वही कोयले की रोटी। संकेत चुप बैठ, आज मेरे मम्मी ने अच्छी वाली रोटी और अच्छी वाली सब्जी दी है। अच्छी वाली रोटी और अच्छी वाली सब्जी, चल अभी देखते हैं। हाँ। टिफिन क्या लाया? अरे परी ये सब मजाक विजाक छोड़ दे, पर तूने एक चीज सोची है क्या? तू इतना सारा खाना डस्टबिन के अंदर डालती है पर वो खाना जाता कहाँ पर है बाद में? हाँ ना, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। सोचना अच्छा होता है दिमाग के लिए। मैं देख कर आता हूँ। ओ बहुत प्यास लगी है, पानी पीकर आती हूँ। वैसे संकेत ने बोला था तुम जो खाना डस्टबिन में फेंकते हो वो कहाँ पर जाता है?
एक काम करती हूँ, देख कर आती हूँ। अरे तुम पत्थर वाली रोटी क्यों खा रहे हो? दीदी ये पत्थर वाली रोटी नहीं है, ये तो बहुत अच्छी रोटी है। देखो पिछले 3 दिनों से यहाँ पे कोई तो खाना डाल के चला जाता है। अच्छा मतलब तुम डस्टबिन से उठाकर खाना खाते हो, गंदा नहीं लगता? दीदी 6 दिनों से कुछ भी नहीं खाते, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा खाना है। वैसे तुम रहते कहाँ पर हो? मैं यहाँ पे रहता हूँ रोड पे। अच्छा क्या मैं इतना बुरा खाना बनाती हूँ? परी तो डस्टबिन में खाना डाल देती है, अब मैं क्या करूँ? मम्मी सुनो ना, कल से क्या आप मुझे 2 टिफिन दोगी? एक टिफिन देती हूँ वो भी डस्टबिन में डालती हूँ, 2 टिफिन दिए वो भी डस्टबिन में डाल दोगी? नहीं मम्मी, अब मुझे खाने की वैल्यू पता चली, खाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हाँ और कुछ कुछ बच्चों को तो एक टाइम का पूरा खाना भी नहीं मिलता। जो मैं खाना डस्टबिन में डालती थी ना, गरीब बच्चा आकर वो खाता था, इसकी वजह से 1 टिफिन उसके लिए 1 टिफिन मेरे लिए। कोई बात नहीं परी, तुम्हें पता तो चली कि खाने की वैल्यू कितनी है। हाँ मम्मी, अब से मैं खाना बिल्कुल वेस्ट नहीं करूंगी। परी कल से मैं तुम्हें 2 टिफिन दूंगी, ठीक है? हाँ सॉरी मम्मा, मैंने आपसे बहुत रूडली बिहेव किया ना। कोई बात नहीं परी, चलो हमने खीर बनाई है, खाने चलते। हाँ हाँ हाँ, पर मम्मी रुको जरा। क्या हुआ? फ्रेंड्स, अगर आपको परी स्पेशल के अमेजिंग प्रोडक्ट्स चाहिए तो उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, जल्दी से जाके परचेज करना। और परी स्पेशल अब शॉर्ट्स भी बनाती है, उसकी लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो वहाँ भी जाकर चेकआउट कीजिए। तो अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, उस बटन को क्लिक करके ग्रे कर देना। और हम आते हैं एवरी वेडनेसडे एंड संडे, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय। चलो मम्मी मुझे बहुत भूख लगी है, खीर चाहिए मुझे। Chow, chow, chow.